आपको पता है आप 20% कैपिटल गेन टैक्स सेव कर सकते हैं ऑन द सेल ऑफ द कॉमर्शियल लैंड। कैसे और क्या क्या ऑप्शंस हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय, मेरा नाम सीए मनीष गुप्ता। सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर कोई कॉमर्शियल लैंड आपके पास है और आप उसे विद इन 24 मंथ सेल आउट कर देते हो और उससे जो भी प्रॉफिट आपका होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वही प्रॉपर्टी आप 24 महीने के बाद सेल आउट करते हो और जो प्रॉफिट होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब मैंने इसको क्यों डिफ्रेंशिएट किया, इसका एक रीज़न है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए इनकम टैक्स में ऐसी कोई एग्जेम्पशंस नहीं दी गई है और वो आपकी इनकम में एड ऑन हो जाएगी और आपको अपने स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जहां आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है, वहां गवर्नमेंट ने 3 ऑप्शंस बताए हैं जहां आप उसके टैक्स एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हो। पहला ऑप्शन 54F, सेकेंड ऑप्शन 54EC, तीसरा है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। सो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इन ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है और आप कैसे इसकी एग्जेम्पशंस अवेल कर सकते हो। 54F में अगर आप कोई न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हो और सारा का सारा अमाउंट जो आपकी सेल प्रोसीड है वो इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन आप अगर कुछ अमाउंट कम करते हो तो आपको प्रोपोर्शनेट ही मिल पाता है। और जो इनकम टैक्स में टाइम पीरियड की आप कब तक एक नया घर खरीद सकते हो उसके लिए उन्होंने 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सेल और 2 साल आने वाले पीरियड तक आप नया घर खरीद सकते हो। कंस्ट्रक्शन के केस में वो पीरियड 3 साल हो जाता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना कि आपके पास एक से ज़्यादा कोई भी घर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। सेकेंड ऑप्शन 54EC, इसमें कुछ बॉन्ड प्रिस्क्राइब किए हुए हैं जैसे REC बॉन्ड, NHAI बॉन्ड्स, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें इस खाली आपको कैपिटल गेन अमाउंट ही इन्वेस्ट करना होता है और ये बॉन्ड AAA बॉन्ड्स है जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मिलता है एंड इसकी जो लिमिट है वो 50 लाख तक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अगर आप विद इन गिवन द टाइम पीरियड, लाइक जो 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सेल और आने वाले 2 साल तक आपको परचेज करना था और कंस्ट्रक्शन केस में 3 साल आप नहीं कर पाते हो, तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये पैसा आपको अपनी इनकम टैक्स डेट की फाइलिंग से पहले करना है और आप उसमें से विड्रॉ करके जो भी आपको कंस्ट्रक्शन या परचेज करना है वैसा कर सकते हो। इस तरह आप अपना टैक्स सेविंग कर सकते हो।